हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों, आज सुपर संडे स्पेशल में 30 एमसीक्यू है जो आपके सामने हम ला रहे हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो निश्चित रूप से दोस्तों, जो डिस्क्रिप्शंस है, जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें डिस्क्रिप्शंस की जरूरत पड़ती है, उसके साथ है जो हम उसको व्याख्या भी करते हैं जो चलेंगे। तो आते हैं हम अपने पॉइंट्स पे कि दोस्तों, जो करेंट अफेयर्स क्यूज है और मेरा जो चैनल है दोस्तों सुबह 56 जरूर है जो दोस्तों, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये है जो 17 बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीपीसीएस एंड ऑल अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए ये एमसीक्यू आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं है जो देखने के लिए जरूर है जो मिलेगा। चलिए दोस्तों, समय गवाए हुए हैं जो हम अपना है जो कार्यक्रम को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि जीपीएआई क्या है। जीपीएआई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जरूर है जो इस बार क्वेश्चन है जो बनने की बहुत ज्यादा उम्मीद है। जीपीएआई, थोड़ा सा यहां ध्यान रखिएगा, जीपीएआई है ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैश्विक साझेदारी की बैठक है जो कहां हुई थी दोस्तों। ये बैठक है जो इस बार है जो नई दिल्ली में हुई है, और नई दिल्ली में होने के चलते है जो इस क्वेश्चंस को है जो मुझे लग रहा है कि हर एग्जाम है जो इस बार है जो टारगेट करेगा। इसको आप स्टार मार्क कर लीजिए, इस क्वेश्चन को जरूर है जो ध्यान रखिएगा आप, इसको 5 स्टार है जो जरूर दीजिए आप। तो इसका जो बैठक हुई है दोस्तों है जो नई दिल्ली में हुई है, इसमें जो है 28 सदस्य हैं। कितना है? 28 सदस्य हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर हम बात करें दोस्तों कि इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 2018 में है जो G7 की मीटिंग में है जो इसका इन्फॉर्मेशन हुआ था, और 2020 में आधिकारिक रूप से है जो इसकी है जो घोषणा है जो की गई। दूसरी अगर बात करें दोस्तों कि इस बार जो 2024 का है जो अध्यक्षता भी है जो इसको है जो भारत को मिला है इसके, तो ध्यान रखिएगा कि जीपीआई का जो अध्यक्षता है 2024 का वो है जो किस कौन करेगा, तो भारत करेगा। इससे पहले ये बैठक है जो जापान में हुई थी, जापान के बाद भारत को है जो इसकी अध्यक्षता दी गई है। तो फर्स्ट का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों है जो नई दिल्ली है जो आंसर है जो हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम दूसरे क्वेश्चन पे है जो चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता है। बहुत ही हाईलाइट क्वेश्चन है दोस्तों। आप जानते होंगे कि कुछ दिन पहले है जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में एक है जो कमिटी का गठन किया गया था, जिसमें जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लेकर है जो बातें की गई थी, उसमें 3 सदस्यों की है जो बात की गई थी। उसमें 3 सदस्य कौन कौन थे? पहला जो थे प्रधानमंत्री थे, दूसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन था, और तीसरा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया था। दोस्तों, इस बार सरकार ने क्या किया कि कोई भी कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये 3 जो है कमिटी का, सर्च कमिटी के जो सर्च करके देगा, उसके बाद है जो हम है जो उसमें से है जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेंगे। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि सरकार ने है जिसके पर विधेयक लाया और कानून बना दिया, उस कानून में क्या किया कि CJI को हटा दिया गया, और इसके जगह है जो प्रधानमंत्री के द्वारा नामित कोई कैबिनेट मंत्री को है जो रखा गया है, कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। तो दोस्तों ऐसा कहा जा सकता है कि जिसकी सरकार होगी, जो PM होंगे, अगर वो कैबिनेट मंत्री को रखते हैं तो 2-1 का तो फैसला ऑलरेडी हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं है जो इसके जो निष्पक्षता पर कहीं ना कहीं सवाल है जो उठ सकता है, मुझे ऐसा लगता है। और लीडर ऑपोजिशन का है कि उनका एक ही वोट है, तो यह है जो कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसीलिए है जो इस क्वेश्चन को हम शामिल किए हैं। तो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में कौन शामिल नहीं होता है? तो प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, और जो सरकार विधेयक लाई है उसमें है जो CJI को है जो नहीं रखा है। तो निश्चित रूप से इसका आंसर हो जाएगा जो आपका मुख्य न्यायाधीश हो जाएगा। अगर हम बात करें दोस्तों कि भाग 15 में है जो चुनाव की बात की गई है 324 से 329 आर्टिकल में, एक संवैधानिक निकाय है दोस्तों, संवैधानिक निकाय उसके कहते हैं जो संविधान में उसकी है जो चर्चा है उसके बारे में बात की गई है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, सिकल सेल एनीमिया कब तक खत्म करने का है जो निर्णय है जो लिया गया है। सिकल सेल एनीमिया आप जानते हैं दोस्तों क्या होता है। आप अगर वीडियो इसको देख रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में जो आंसर है जो जरूर है जो लिखते जाए। अगर आप कमेंट बॉक्स में आंसर लिखते हैं तो आपका कहीं ना कहीं है जो याददाश्त भी बढ़ेगा और है जो सोचने की शक्ति भी है जो बढ़ेगी। तो सिकल सेल एनीमिया कब तक खत्म करने का है जो निर्णय है जो भारत सरकार ली है, कौन? भारत सरकार। जानते हैं दोस्तों कि जो RBC होता है, उस ब्लड में
जो सिकल सेल एनीमिया जो होता है उसकी है जो आकार जो है हसिया के आकार की हो जाती है, जो हसिया होता है उस प्रकार की है जो आकार हो जाती है। ऐसे जानते हैं कि आप आरबीसी का है जो आकार है जो गोल होता है वह है जो इस प्रकार की हसिया के आकार की हो जाती है, जिसके कारण एक अनुवांशिक बीमारी है दोस्तों। जो सिकल सेल एनीमिया है एक अनुवांशिक बीमारी है, सिकल सेल एनीमिया। एनीमिया आप कहीं भी एनीमिया बढ़ आए तो आप जान लीजिए कि है जो ब्लड से रिलेटेड है, जो उसका है जो कहीं ना कहीं है जो समस्या है। सेप्टिसीमिया हमने कल पढ़ाया था, जब आप वीडियो देख रहे होंगे तो सेप्टिसीमिया जो भारत में बाघों की जो मौत हुई है उस सेप्टिसीमिया उसमें भी रक्त का संक्रमण था। तो जहाँ एनीमिया सीमिया जहाँ पर यूज हो वहाँ पर है जो रक्त से जरूर है जो उसका संबंध है जो माना जाता है। तो भारत सरकार ने है जो दोस्तों 2047 तक है जो इसे है जो खत्म करने का है जो लक्ष्य रखा है। और इसके लिए अमेरिका में कुछ दिन पहले अगर बात करें तो दो ऐसे है जो टीके की बात है जो की गई है, उस टीके का नाम है दोस्तों लिफजेनिया और कासगेबी। वो है जो तकनीक के माध्यम से सिकल सेल एनीमिया को है जो खत्म करने का है, जो वहाँ की एफडीए जो वहाँ की ड्रग्स अथॉरिटी है अमेरिका की, उन्होंने है जो इसको है जो मंजूरी दी है उसका नाम है लिफजेनिया और कासगेनी। लिफजेनिया और कासगेनी थोड़ा याद रखिएगा, थोड़ा सा डीप का पार्ट है तो आप है जरूर है जो कभी ऐसा मिल जाए एग्जाम में तो आप उसको जरूर है जो मारिएगा। तो सिकल सेल एनीमिया प्रधानमंत्री मोदी जी ने मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से है जो इसकी घोषणा की थी। कहाँ से? शहडोल जिला, ध्यान रखिएगा शहडोल जिला है, एमपी के शहडोल जिला से याद रखिएगा। इसकी घोषणा की थी 2047 तक है जो हम सिकल सेल एनीमिया को है जो खत्म कर देंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों ये क्वेश्चंस को आप जरूर है जो नोट डाउन कीजिए। ये सब क्वेश्चन छाटा हुआ क्वेश्चन है सभी जगह से है जो इसको है जो हम है जो एक जगह लाने का है जो प्रयास किए हैं। भारत में पहली बार लोकसभा से निष्कासित, हिंदी देखिए थोड़ा लिखने में गलत हो गया है, निष्कासित ऐसे लिखते हैं, आप शुद्धता पर भी है जो जरूर है जो ध्यान दीजिए लिखते समय। तो भारत में पहली बार लोकसभा से निष्कासित नेता कौन थे? अभी आप जानते हैं कुछ दिन पहले महुआ मोइत्रा बहुत ही फेमस थी, ये पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के है जो सांसद थी दोस्तों। कुछ दिन पहले इनके ऊपर है जो गंभीर आरोप लगे थे कि जो संसद की जो लॉगिन पासवर्ड होती है, जो क्वेश्चन पूछने वाला जो पोर्टल होता है उसको जो है मुंबई के कारोबारी हीरा रंदानी के साथ है जो उन्होंने शेयर किया था। और इस मामले को है जो आप एक बीजेपी के जो नेता हैं निशिकांत दुबे साहब ने है जो संसद में उठाया था, उसके बाद उसको है जो कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी ने है जो 6-4 के निर्णय से है जो महुआ मोइत्रा को है जो कहीं ना कहीं है जो आयोग घोषित कर दिया। वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे, सुप्रीम कोर्ट में भी है जो उनको है जो राहत नहीं मिली है। तो निश्चित रूप से है जो भारत में रही लोकसभा से निष्कासित जो प्रथम नेता थे, यहाँ पर प्रथम नेता जो ध्यान रखिएगा प्रथम नेता, इसीलिए क्वेश्चन को हम प्रथम लगा दिए हैं, प्रथम नेता जो 1951 में एचडी मुदगल साहब जो थे उनको है जो सबसे पहले जो निष्कासित किया गया था। बहुत सारे अगर हम बात करें इंदिरा गांधी को भी है जो 1977 में है जो निष्कासित किया गया था, आप जानते हैं। फिर है जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब उनको भी किया गया था, विजय माल्या साहब को 2016 में है जो किया गया था। तो बहुत सारे, लेकिन जो पहला है जो एचडी मुदगल साहब जो थे उनको है जो लोकसभा से पहली बार है जो निष्कासित किया गया था। फिर आचरण समिति बनी, फिर तथर कमेटी बनी, बहुत सारे फिर उसके बाद है जो आचरण को सुधारने के लिए नियम जो है लोकसभा के जो नियम संचालन है, राज्यसभा के नियम संचालन है उसमें है जो उसको सुधार किया गया। फिर है जो कमेटी के पास है जो भेजा जाता है वो है जो निर्णय लेती है, और निर्णय लेने के बाद है जो लोकसभा अध्यक्ष के पास है जो रिपोर्ट सौंपती है, और लोकसभा अध्यक्ष है जो उनका पावर होता है और वो है जो फिर है जो निष्कासित करने का फैसला है जो उन्होंने है जो लिया। तो इसीलिए हम क्वेश्चन है जो पूछा इस क्वेश्चन को है जो हमने लिया है। तो निश्चित रूप से आपका जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है उसमें है जो ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो मुझे लगा, इसीलिए मैंने है जो इसको लिया है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन है कि यूएन ने दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से किसे नवाजा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो यूएन ने दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड से है जो किसे नवाजा गया है? तो है जो दोस्तों ये है जो नवाजा गया है बान की मून साहब को है जो हाल फिलहाल में है जो दिसंबर के समय बान की मून साहब को है जो पावर ऑफ वन अवार्ड से है जो नवाजा गया है। आनंद मैरिज एक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू हुआ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी क्वेश्चंस है आपको है जो सुनने के लिए मिल रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से बार बार इस चीज को हम बोल रहे हैं। आनंद मैरिज एक्ट किस केंद्र शासित प्रदेश में लागू हुआ है? यह है जो दोस्तों जम्मू कश्मीर में है जो लागू किया गया है आनंद मैरिज एक्ट। अनुच्छेद 370 का फैसला कितने न्यायाधीश शामिल थे?
अनुच्छेद 370 का जो भी फैसला आया था उसमें है जो कितने न्यायाधीश है जो शामिल थे, तो है जो 5 न्यायाधीश है जो शामिल थे, उनकी जो संवैधानिकता पर कहीं ना कहीं है जो जो लोगों ने याचिका दायर की थी और उस याचिका पर सुनवाई करते हुए 5 जजों की बेंच थी और 5-0 से है जो उसको है जो फैसला दिया था CJI चंद्रचूड़ साहब के उनकी अध्यक्षता में, क्योंकि इस संवैधानिक मामला था उनके पास गया था, तो 5-0 से है जो फैसला दिया था और अनुच्छेद 370 को है जो वैधता है जो करार दिया गया। इसके बहुत पाठ हैं, एक लंबी क्लास होगी 370-1 370-3 में कैसे है जो हटाया गया, संविधान सभा को किस प्रकार से जो चेंज किया गया, राष्ट्रपति शासन लगा, ऑफिशियल ऑर्डर 272 क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे है जो हम चर्चा करेंगे। एक बहुत बड़ा टॉपिक है लेकिन AMCQ टाइप का है, तो AMCQ टाइप का ही है लेकर है जो इसको चलेंगे। सरकार ने किस आयोग को प्रतीक चिन्ह को है जो बदल दिया है, तो आप जानते हैं दोस्तों कि अभी हाल फिलहाल में कल भी हमने एक चर्चा किया था, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का एक है जो हमने चर्चा किया था जिसमें बताया था कि भारत में 843 मरीज पे एक डॉक्टर है, WHO कहता है 1000 पे एक मरीज होना चाहिए, 1000 मरीज पे एक डॉक्टर होना चाहिए। तो चिकित्सा आयोग का है जो प्रतीक चिन्ह को है जो सरकार ने है जो बदल दिया है, ये सब क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन है जो PCS में हमेशा है जो पूछा गया क्वेश्चन है, इसीलिए है जो इस चीज़ को है जो ध्यान रखिएगा। BIMBEX 2023 अभ्यास किस देश के साथ होता है, तो BIMBEX जो है दोस्तों है जो वियतनाम के साथ होता है, श्रीलंका के साथ सिलिनक्स भी होता है आप जानते हैं, तो ये सब क्वेश्चन है जो आप है जो जरूर है जो ध्यान रखिए सिलिनक्स। चलिए तो निश्चित रूप से इसके जो पार्ट्स थे उसको है जो हमने खत्म किया, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 2023 में गूगल जो है उस पर सबसे ज्यादा है जो क्या सर्च किया गया था, ये सब क्वेश्चन आपको कहीं भी एग्जाम किताब में नहीं मिलेगा, ये सब क्वेश्चंस को है जो छाटा गया और ये सब छोटा छोटा क्वेश्चन है जो आपसे है जो पूछ देगा, आप है जो वहाँ फंस जाइएगा। चंद्रयान 3 को है जो दोस्तों 2023 में सबसे ज़्यादा है जो सर्च किया गया था, आप जानते हैं कि हमारा चंद्रयान 3 पहुँचने वाला है जो दक्षिण ध्रुव पर पहुँचने वाला है जो पहला देश है और जो चंद्रमा मिशन पर पहुँचने वाला है जो हमारा है जो चौथा देश है जो बना है दोस्तों, 5वां देश हाल फिलहाल में है जो जापान बना है। तो चंद्रयान 3 को सबसे ज़्यादा है जो सर्च किया गया है। G20 की जो बैठक है दोस्तों इस बार है जो भारत में हुई थी, आप जानते हैं नई दिल्ली में हुई थी, फिर है जो अभी जो है इसकी अध्यक्षता किसके पास चला गया है, ब्राज़ील के पास है जो इसकी अध्यक्षता है जो चला गया है G20 का। चलिए अनीस दयाल समिति का संबंध किससे है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अनीस दयाल समिति का है जो संबंध किससे है, तो अनीस दयाल समिति का संबंध जो संसद हमले जो अभी हाल फिलहाल में जो हुआ था 13 दिसंबर 2023 को जो हमला हुआ था उस पर कमेटी बनी थी और उस कमेटी में बताया गया कि किस प्रकार से जो उस घटना को अंजाम दिया गया था। दर्शक दीर्घा में बैठे दो व्यक्तियों ने क्या किया था कि संसद भवन में जो कूद गया था और वहां पर कुछ स्प्रे को छोड़ा था, जिसके कारण है जो वहां की जो संसद भवन की सुरक्षा पर कहीं ना कहीं सेंध लगी थी, उस पर 146 सांसद को भी कहीं ना कहीं है जो क्या किया गया था, निलंबित किया गया था उसके लेकर। तो ये जो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अनीस दयाल समिति का संबंध संसद हमले की है जो जहाज से है, उसके बाद पूरी संसद की जिम्मेदारी है जो CISF को है जो दी गई है। आप बताइए कि CISF के अभी है जो चेयरमैन जो मैंने कहा जाता है महानिदेशक कौन है, आप कमेंट बॉक्स में जो जरूर है जो बताइएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो इस बार 2023 में कितने लोगों को है जो दिया गया है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन से पूछा जाता है। तो 2 व्यक्तियों को है जो इस बार है जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो दिया गया है, एक पियानो वादक है और एक है जो दोस्तों जो इज़राइल फिलिस्तीन जो हो रहा है उसमें है जो उन्होंने सामाजिक कार्य के लिए है जो उनको है जो दिया गया है, एक है जो पियानो वादक है, तो 2 व्यक्तियों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पार्वती काली सिंध परियोजना का संबंध किस राज्य से है, ये भी हाल फिलहाल में चर्चा में था, तो राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों, पार्वती काली सिंध परियोजना का संबंध है जो किससे है, तो है जो दोस्तों किससे है, यह है जो राजस्थान है और मध्य प्रदेश से है। इंडिया आउट, अगला क्वेश्चन है इंडिया आउट किस देश की में चर्चा में रहा, अभी हाल फिलहाल में हमने बार बार जो चर्चा किया है वहाँ की जो राष्ट्रपति हैं इंडिया आउट के कैंपेन पर है जो जीत किया है मोहम्मद म्यूजू साहब, कौन है म्यूजू, मोहम्मद म्यूजी यह जो कहाँ के हैं, यह जो मालदीप के हैं,
वह जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने कैंपेन चलाया था किस पे, इंडिया आउट। अब बहुत विवाद रहा है, हमने जो इस पे है जो विस्तृत है जो चर्चा है जो किया है, इसका एक पूरा लेक्चर है, आप जाके जो प्लेलिस्ट में है जो देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है जो कब तक है जो बढ़ा दिया गया है। दोस्तों प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना बहुत बड़ी योजना है दोस्तों, 80 करोड़ लोगों को है जो इसमें अनाज है जो फ्री मिलता है, एक बहुत बड़ी कल्याण योजना है जिसको है जो 2028 तक है जो इसको है जो बढ़ा दिया गया। कब तक? 2028 तक। 2020 में है जो चालू किया गया था, कहाँ के? बिहार के एक खगड़िया जिला है दोस्तों, कहाँ है? खगड़िया के तेलहार प्रखंड से, कहाँ से? तेलहार प्रखंड से है जो इसको चालू किया गया था, 2028 तक है जो इसको है जो बढ़ा दिया गया है। आगे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 16 नंबर, फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय महिला को है जो दिया गया, इस पर स्टार मार्क कर लीजिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान किस भारतीय महिला को है जो दिया गया है, तो ये है जो ललिता अंबिका। कौन है? ललिता अंबिका, इसरो के जो पूर्व डायरेक्टर हैं, वैज्ञानिक है, महिला वैज्ञानिक है, उनको है जो फ्रांस का है जो सर्वोच्च सम्मान है जो इस बार है जो दिया गया है, लीजन ऑफ ऑनर है बोला जाता है उनको दिया गया है। तो कौन है? ललिता अंबिका। क्या नाम है उनका? ललिता अंबिका, जो इसरो के पूर्व डायरेक्टर है उनको है जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर बोला जाता है उनको है जो मिला है। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों हमारे जो है 26 जनवरी पे जो 26 जनवरी पे है जो मुख्य अतिथि जो थे फ्रांस के ही है जो राष्ट्रपति थे मैक्रो साहब। कौन थे? मैक्रो साहब आए थे, और फ्रांस से छठे व्यक्ति हैं जो हमारा है जो राजकीय इस पर 26 जनवरी पर आए थे, तो ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रांस अभी भारत का रूस के रूप में है देखा जा रहा है दोस्तों, भारत के रूस के रूप में अगर बोला जाए क्वेश्चन तो है जो फ्रांस को है जो देखा जा रहा है, हमारी नज़दीकियाँ बढ़ रही है। राफेल भी है जो दोस्तों यहीं से लिए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना आप क्वेश्चन को खोलिएगा उतना क्वेश्चन है जो खुला। कितना राफेल लिया गया था? 36 राफेल है जो लिया गया था। अभी है जो सबमरीन भी है जो फ्रांस से है जो लेने की है जो बात चल रही है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर है जो ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि परवो वायरस किस जंतु में है जो पाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट। ये सब क्वेश्चन है दोस्तों आपको आपको कहीं मैगजीन्स में नहीं मिलेंगे, ये क्वेश्चन को छांटा गया है। परवो वायरस हाल फिलहाल बहुत चर्चा में रहा है, ये है जो कुत्ता में पाया जाता है दोस्तों, उसकी जो पैर और जो मुख होती है ना कहीं उसको है जो ज्यादा प्रभावित करता है, तो परवो वायरस का संबंध किससे है? तो कुत्ता से है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मित्र योजना का संबंध किस मंत्रालय से है? ये सब भी है जो क्वेश्चन है जो पूछ दिया जाता है, तो मित्र योजना का संबंध है दोस्तों महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से है। जो मित्र योजना का जो संबंध है यह जो महिला एवं बाल विकास है जो मंत्रालय से है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हेनरी किसिंजर का संबंध किस देश से? बहुत बड़े व्यक्ति हैं दोस्तों, 100 साल की उम्र में है जो इनका निधन हुआ है, 100 साल की उम्र में है जो इनका है जो निधन हुआ है, और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री, वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है जो रहे हैं, लेकिन इनका जन्म है जो दोस्तों है जो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था, और ये है जो कहाँ के हैं? ये है जो अमेरिका के हैं, ये जो पूर्व विदेश मंत्री हैं, इनको है जो नोबेल पुरस्कार भी मिला है, और ये बताइएगा कि नोबेल पुरस्कार इनको कब मिला है और किस लिए है जो मिला है, ये है जो जरूर है जो बताइएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, गोल्डन हाइट्स अभी हाल फिलहाल में चर्चा में है, गोल्डन हाइट्स सीरिया से दोस्तों 1967 में जो इजराइल है जो जीत लिया था, कब? इजराइल 6 दिन का युद्ध हुआ था दोस्तों, और है जो अभी आप देख रहे हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन में है जो किस प्रकार का संघर्ष मचा हुआ है, यह है जो दोस्तों है जो राफा क्रॉस है, यह है जो गाजा पट्टी है, और गाजा पट्टी जो है दोस्तों 41 किलोमीटर का है और इसकी चौड़ाई है जो 12 किलोमीटर है। दुनिया का सबसे सघन आबादी वाला जगह है जो कौन है? आपका है जो गाजा पट्टी है। कौन सा है? गाजा पट्टी है। अब ये जान रहे हैं कि कुछ दिन पहले 135 दिन का युद्ध विराम की भी है जो चर्चा है जो चल रही है कि इसको है जो 45-45 दिन के 3 टर्म में है जो युद्ध विराम की है जो घोषणा है जो कर सकता है, लेकिन वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं नेतन्याहू साहब, देखिए इसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। तो गोलन हाइट्स का संबंध है जो किससे है? तो है जो इजराइल से है, सीरिया से 1967 में है जो ले लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मिचोंग तूफान का नामकरण किस देश ने किया? मिचोंग तूफान का नामकरण है जो किसने किया है दोस्तों? तो म्यांमार ने किया। किसने किया है? म्यांमार ने। मिचोंग तूफान जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का तट पे, किस पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे। थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो। हम जो बोल रहे हैं उसको है जो जरूर है जो उसको ध्यान से सुनिएगा।
क्योंकि है जो आप जो बोल रहे हैं आप उसको सुनिएगा तो आपको माइंड में 1/10 सेकंड का इमेज बनता है। क्या बनता है? सुनने से 1/10 सेकंड का इमेज बनता है और आपके माइंड को कहीं ना कहीं है जो रिफ्रेश करता है एग्जाम में कि कभी है जो इस बात को सुने थे कि नहीं सुने थे। तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पे है जो मिचौंग तूफान ने है जो तबाही मचाई थी और बहुत भारी बारिश है जो तमिलनाडु में हुआ था दोस्तों। 1,000 करोड़ रुपया का है जो केंद्र सरकार ने है जो कहीं ना कहीं है जो इसका है जो राहत कोष है जो इसके लिए जो प्रदान किया था। तो मिचौंग तूफान का नामकरण कौन है? जो म्यांमार किया है। लकडोल हरती जो हल्दी है उसका GI टैग किस राज्य को मिला है? ध्यान रखिएगा, आपको इस क्वेश्चन आपको छोड़ देते हैं 22 नंबर क्वेश्चन कि इसका आंसर है जो क्या होगा। GI टैग 1999 में है जो चालू हुआ था, ज्योग्राफिकल इंडक्शन इसको बोला जाता है दोस्तों, और है जो 1999 में चालू किया था। आप जरूर है जो इसका आंसर है जो बताइएगा। आप निश्चित रूप से नॉर्थ ईस्ट के 3 है जो राज्य है, 1 राज्य बिहार है, तो बिहार तो नहीं होगा हम जानते हैं, लेकिन आपका आंसर है जरूर है जो 22 नंबर आप बताइएगा, नहीं तो फिर है जो हम कमेंट बॉक्स में इसका आंसर है जो डाल देंगे। ये हल्दी है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत वहाँ की नामी हल्दी है, तो आप है जो जरूर है जो इसको ध्यान रखिएगा। अगर नहीं होगा तो हम तुरंत है जो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। आपके ऊपर एक क्वेश्चन छोड़े हैं, किस संगठन के हाल में 75 वर्ष जो पूरे हुए, इस सब क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए, आप 5 स्टार मार्क कीजिए। तो मानवाधिकार आयोग जो है उनका है जो अभी है जो हाल फिलहाल में है जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं। इनका Article 1 और Article 2 क्वेश्चंस पूछा गया है, UPPCS में भी पूछा गया है इसके क्वेश्चंस और BPSC में है भी है जो मानवाधिकार आयोग के बारे में है जो क्वेश्चंस पूछा गया है। तो निश्चित रूप से है जो आप है जो जरूर है जो इसका है जो ध्यान दीजिएगा। SAARC की स्थापना कब हुई थी बता दीजिए, 1985 में हुई थी। SCO में कितने देश हैं अभी है जरूर बताइए, SCO में कितने देश हैं? SCO में है जो 9 देश हो गए हैं, कितना हो गया है? 9 देश हो गया, ईरान है जो जुड़ा है तो 9 देश हो गया है। SAARC है जो निश्चित रूप से अब है जो दोस्तों है जो खत्म के कगार पे है, अब SAARC की कोई भूमिका है जो नहीं रह गई, इसकी भूमिका कहीं ना कहीं बीमिस्टेक है जो ले लिया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किस संगठन, अच्छा वही क्वेश्चन नहीं चलिए इसके हमारे में बता दिए, अच्छा दोबारा स्लाइड में आ गया था। ऑपरेशन स्टार मेकर्स अभियान किसने चलाया था? ऑपरेशन स्टार मेकर्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। स्टार मेकर्स यह जो इंटरपोल ने चलाया है, कौन सी है दोस्तों? इंटरपोल ने, ध्यान रखिएगा। ये बताइए कि इंटरपोल की 100वीं बैठक है जो कहाँ हुई थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 100वीं बैठक है जो आप जरूर बताइए कि 100वीं बैठक कहाँ हुई थी, तो है जो इंटरपोल है जो इसका आंसर हो जाएगा स्टार में। ये तस्करी रोकने के लिए है जो इस चीज को है जो बनाया गया है। आगे है दोस्तों कि UPI की सीमा स्वास्थ्य और शिक्षा में बढ़ाकर है जो कितना कर दिया गया है? UPI की सीमा है जो स्वास्थ्य और शिक्षा में, क्वेश्चन है जो निकाल सकता है यहाँ से, स्वास्थ्य शिक्षा बढ़ाकर पहले 1 लाख था, अब है जो इसको है जो कितना कर दिया है? 5 लाख है जो कर दिया गया है, कितना कर दिया है? 5 लाख कर दिया है। यह है जो NPCI देखता है दोस्तों, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया 2008 में है जो इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा। आगे है अल शिफा अस्पताल हाल में चर्चा में रहा, इस पर है जो दोस्तों है जो अस्पताल में बमबारी की गई थी अल शिफा अस्पताल पे, बहुत ही उस समय है जो इजराइल को है जो कहीं ना कहीं है जो इसको लेकर है जो पूरे वर्ल्ड ने है जो इसको है जो ओवर द टॉप करार दिया था। ओवर द टॉप का मतलब होता है कि मानवीय जो हत्या है कहीं ना कहीं है जो एक लिमिट से है जो ज़्यादा हो रही थी। युद्ध में तो ठीक है कि मानवीय हत्या होती है, लेकिन एक कहीं ना कहीं अस्पताल पे है जो बम गिराना एक मानवीय कहीं ना कहीं झकझोर देता है। तो ये है जो दोस्तों है जो गाजा में था और गाजा पट्टी पे है जो कहीं ना कहीं है जो इस अस्पताल पे है जो हमला किया था, जिसमें जो करीब करीब 200 लोग की जो मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अल शिफा अस्पताल हमने बता दिया। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद कितनी सीट हो गई है? ये भी हाल फिलहाल का जो क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर में, एक मिनट थोड़ा पतला वाला इसको लेते हैं। जम्मू कश्मीर में परिसीमन के बाद है जो कितनी सीट हो गया, पहले कितना था दोस्तों? 107 था, बढ़ा के कितना हो गया? 114 हो गया है, ध्यान रखिएगा। कितना? 114 सीट, आप 114 पर है जो जाइएगा। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों कि जम्मू में कितने हैं, कश्मीर में कितने हैं, और 3 लोगों को राज्यपाल है जो मनोनीत करेगा, उसमें 2 विस्थापित हैं, 1 है जो महिला है, तो इसको किस प्रकार से, इस पर चर्चा होगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है दोस्तों। आगे है कि प्लास्टिक मुक्त अंतर सरकारी समिति की बैठक कहाँ हुई, इसकी बैठक कहाँ हुई है दोस्तों? तो केन्या में हुई है। इसकी बैठक कहाँ हुई है? इसकी बैठक है जो केन्या में हुई है। अगरतला अखौरा रेल लिंक की लंबाई है जो कितना है, बहुत बड़ी चर्चा में है, तो 12.24 किलोमीटर है जो अखौरा, और
और अगरतला है जो रेल लिंक है जो 12.24 किलोमीटर का है भारत और बांग्लादेश का। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कितनी बार है जो चुनी गई है, जो प्रधानमंत्री के रूप में कितनी बार चुनी गई, हाल फिलहाल में चुनाव हुए थे तो है जो पांचवी बार है जो वो है जो शेख हसीना है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। तो दोस्तों निश्चित रूप से 30 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहे, और आपको एक क्वेश्चन है जो होमवर्क दिए हैं, कौन सा हल्दी, हल्दी कौन सा है, लकडोल हल्दी कहाँ का है, इस क्वेश्चन को आप है जो जरूर है जो कमेंट बॉक्स में बताइए, लकडोल हल्दी GI टैग किस राज्य को मिला है, इस पर है जो हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ये 30 हो गया, तो निश्चित रूप से आप वीडियो देख रहे हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी प्रकार का है क्वेश्चन है जो फिर है जो हम लाते रहेंगे, संडे स्पेशल का आज ये वीडियो है, आज मुझे लगता है कि एक ही वीडियो आएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।